हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए एक्साइटिंग वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वाईफाई कैसे वर्क करता है, इसके सिक्योरिटी कितने टाइप्स की होती है और वाईफाई को कैसे हैक किया जा सकता है, इसके थियोरेटिकल के बारे में और वाईफाई को आप हैक होने से कैसे बचा सकते हो। सो विदाउट टॉकिंग टू मच लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम जानते हैं वाईफाई हैकिंग की सिक्योरिटी के बारे में। तो दोस्तों वाईफाई की सिक्योरिटी के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वाईफाई कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो जिसके जरिए आप इंटरनेट एक्सेस कर पाते हो, तो हम राउटर के जरिए वाईफाई का यूज़ करते हैं, लेकिन हम जब राउटर से किसी वाईफाई को कनेक्ट करते हैं तब हमसे एक पासवर्ड मांगा जाता है, और जब हम उसमें सही पासवर्ड एंटर करते हैं तो राउटर हमारे साथ डेटा पैकेट शेयर कर देता है जिसके जरिए हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। हमारे डिवाइस यानी कि मोबाइल कंप्यूटर इन सब में एक नेटवर्क एडेप्टर होता है जिसकी मदद से हम इन डेटा पैकेट को ट्रांसफर कर पाते हैं, और इन डेटा पैकेट्स में होते हैं उस वाईफाई के नेटवर्क के पासवर्ड और वाईफाई नेटवर्क में लोग क्या क्या कर रहे हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन। इसलिए अगर आप कभी भी पब्लिक वाईफाई का यूज़ करते हैं तो उस वाईफाई नेटवर्क का एडमिनिस्ट्रेटर आप इंटरनेट पे क्या सर्च कर रहे हो, क्या देख रहे हो, लेकिन वो केवल आपकी HTTP वाली वेबसाइट यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वाली वेबसाइट में क्या कर रहे हो वही देख सकता है, HTTPS वाली में नहीं देख सकता क्योंकि उसमें एनक्रिप्शन एंड कुछ सिक्योरिटी लगी हुई है। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वाईफाई सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, WEP, WPA, WPA2 एंड WPA3, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं WEP के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, ठीक है। तो ये 1999 में स्टार्ट किया गया था और ये 64 बिट एंड 128 बिट इंक्रिप्शन के काम में लेता है, लेकिन वाईफाई सिक्योरिटी की बात करें तो WEP थोड़ा बहुत ही कम सिक्योर है। अब इसका कोई यूज़ नहीं करता, ये किसी ना किसी पुराने राउटर में आपको दिख जाता है, लेकिन अब ये बंद हो गया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी एंड बग्स है जिसकी मदद से कोई भी एक्सपीरियंस हैकर इसे 2 मिनट में हैक कर लेता था, और इसलिए इसको 2004 में बंद कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं WPA के बारे में। इसका फुल फॉर्म है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। जब WPA में बहुत सारे बग्स सामने आए, 2003 में इसे बनाया गया था और WPA 256 की पैटर्न इंक्रिप्शन काम में लेता था, तो ये बहुत ही सिक्योर था और ये RC4 एंड TKIP एल्गोरिथम्स काम में लेते थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और सब पुराने होते गए और 2006 में इसे भी बंद कर दिया गया, लेकिन बहुत सारे राउटर्स में अभी भी WPA का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं WPA2 के बारे में। इसका फुल फॉर्म है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस वर्जन 2। तो ये अब तक का सबसे बेस्ट वाईफाई सिक्योरिटी है और WPA2 में CCMP एंड ACS जैसे एल्गोरिदम यूज़ किए गए हैं और ये काफ़ी हाई सिक्योरिटी लेवल के एल्गोरिदम्स हैं। WPA वाईफाई सिक्योरिटी का यूज़ आजकल हर जगह किया जाता है, ऑफिस हो या बड़े से बड़ी कोई कंपनी, वो सब WPA2 वाईफाई सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी सिक्योरिटी को इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता है। तो अगर आप एक वाईफाई सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आप WPA2 का यूज़ किया करें, ठीक है। अब तो वाईफाई को कैसे हैक किया जा सकता है दोस्तों, अब बात आती है कि हम इसको कैसे हैक कर सकते हैं, राइट। और वाईफाई को हैक करने के कई तरीके होते हैं, तो मैं आपको एक सिंपल और एडवांस दोनों तरीके के बारे में बताऊंगा जिससे वाईफाई को हैक किया जा सकता है, ठीक है। तो ये स्निफिंग से हो सकता है, ब्रूट फोर्स अटैक से हो सकता है, WPS यानी कि वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप से हो सकता है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्निफिंग के बारे में। तो ये किसी भी वाईफाई को हैक करने का सबसे बेस्ट एंड कॉमन तरीका है दोस्तों। जैसे कोई वाईफाई से डेटा सेंड होता है तो हम उस डेटा को इंटरसेप्ट करके उसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और उस एक्सट्रैक्टेड फाइल को हम हैंडशेक फाइल के नाम से जानते हैं, और हम उस हैंडशेक फाइल से उस वाईफाई का पासवर्ड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये उतना भी आसान नहीं होता क्योंकि स्निफिंग को हमें परफॉर्म करने के लिए हैकिंग टूलकिट की ज़रूरत पड़ती है, और इसके लिए कार्ने जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है क्योंकि कार्ने में हैकिंग के सारे टूल्स फ्री इंस्टॉल हुए ही आपको मिलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रूट फोर्स अटैक के बारे में। दोस्तों ब्रूट फोर्स अटैक भी वाईफाई हैक करने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है, लेकिन ब्रूट फोर्स एक गैसिंग टेक्निक है एंड ट्रायल एंड एरर मेथड है, और ब्रूट फोर्स अटैक्स में टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत होता है और कभी कभी इसको हैक करने के 95% चांस रहते हैं, तो ये उतना अच्छा नहीं है। लेकिन ब्रूट फोर्स अटैक से WPA के पासवर्ड बहुत ही जल्दी क्रैक किए जा सकते हैं क्योंकि WPS के पासवर्ड 0 to 9 तक नंबर में ही होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वाईफाई हैकिंग इन WPS एक्सप्लॉइट, ठीक है। दोस्तों WPS का फुल फॉर्म होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है वाईफाई को बिना हैक किए वाईफाई से कनेक्ट होने के लिए। अगर आप राउटर का यूज़ करते हैं तो राउटर के पीछे आपको WPA का एक ऑप्शन मिलता है जिसमें एक बटन होता है, अगर इस बटन को ऑन कर दिया जाए तो कोई भी अपना डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट कर सकता है। वैसे ही आप जियो फाई के डिवाइस का भी WPS का ऑप्शन मिलता है जिसको ऑन करके आप अपना डिवाइस से पिन एंट्री करके वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि आप कैसे सेफ रह सकते हो, ठीक है, हाउ टू बी सेफ इन वाईफाई हैकिंग। तो दोस्तों अपने वाईफाई को सिक्योर करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि एक बेहतर एनक्रिप्शन टेक्निक का यूज़ करें जैसे कि WPA2। अगर आपका राउटर में WPA एंड WPA2 है तो आप कोशिश करें कि अपना वाईफाई WPA2 में ही यूज़ करें। दोस्तों आप कभी भी अपना वाईफाई का राउटर में WPS
बटन को ऑन ना करें, क्योंकि अगर आप इस बटन को ऑन करेंगे तो कोई भी अपना डिवाइस आपके वाईफाई से कनेक्ट कर सकता है। और हमें एक अच्छे से अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए। आप कोशिश करें कि आपका पासवर्ड 12 से 16 डिजिट का हो और उसमें आप स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वाईफाई हैकिंग एंड सिक्योरिटी से जुड़ी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक कर दो, कोई भी डाउट तो मुझे कमेंट में पूछ के बताओ, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और नया आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।